Hello, Namaskar, and a very good afternoon to all the viewers watching NCRT's live interactive session. This is Simran Singh and you have all connected with us through eVidya channel number 10. And viewers, for this half an hour we have a session of science for all class 10 students. And today we are going to discuss a very general but at the same time a very significant topic for our day-to-day life, for our day-to-day routine. The topic is life processes respiration. And providing us more insights into the conversation, we have with us our special guest, Professor Krishna Kumar Sharma sir. Namaskar sir. Namaste. Bahut bahut swagat hai sir aapka satra mein. Sir is a ex-vice chancellor from Maharishi Dayanand Saraswati University from Ajmer. And viewers, you know the different mediums through which you can reach out to us. One of them is our contact number flashing on your screens. You can give us a call in case of doubts at 8800440559. Either you can always reach out to us through our mail ID. And for 10th students, class 10 students, the mail ID is dth.class10@ciet.nic.in. So without further ado, let's quickly understand कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं इस सत्र के अंतर्गत. तो ये जानकारी हम सर से ही प्राप्त करते हैं. जी सर. बहुत अच्छा. नमस्ते सिमरन जी. बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने दिया है और ये दसवीं के लिए तो महत्वपूर्ण है, 10th क्लास के लिए, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. हम जीवित हैं, हम बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करते रहते हैं. हम भले ही सो रहे हों या क्लास के अंदर अवेकेंड हो, जग रहे हों, आप देखिए इस चित्र के अंदर, लेकिन हमारे लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं. हमारे शरीर के अंदर ये देखिए, वी हैव गॉट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड यू सी हाउ दीज सेल्स आर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस. आप इन सेल्स को देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हमारे दिन रात ये प्रोसेस चलते रहते हैं और ये प्रोसेस चलते रहते हैं. आप देखो ये सेल के अंदर जो बहुत बढ़िया प्रोसेसेस को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर हर क्षण, एवरी मोमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर ईटिंग, व्हेन वी आर ब्रीदिंग, बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस बहुत सेंसिटिव प्रोसेसेस हैं और हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए इन प्रोसेसेस की जरूरत होती है. तो इन प्रोसेसेस के अंदर आप देखिए बहुत सारे आपके मस्कुलेचर्स हैं, आपके बोन्स हैं, आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, आपके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, लॉट ऑफ सिस्टम्स आर देयर इन योर बॉडी एंड दीज सिस्टम्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड फॉर दैट वी रिक्वायर एनर्जी. सो चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारे, आप देखिए आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने के साथ में आप देखिए ये सांस भी चल रही है, आप नेजल कैविटी के अंदर सांस ले रहे हैं और सांस लेने के साथ में ही आपके सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ये सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, इनके बारे में आज जानकारी लेंगे. ये प्रोसेसेस क्या है, रेस्पिरेशन विशेष तौर से, श्वसन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कैसे होता है, व्हाई वी इनहेल एयर, व्हाई वी एक्सहेल एयर, इनहेल एयर के अंदर हम क्या लेते हैं, एक्सहेल के अंदर क्या छोड़ते हैं, ये जानकारी आज प्राप्त करेंगे. So, आपका चैप्टर 5 के अंदर जो सबसे पहली से जानकारी है वो मैं आपको, सी साइंस को हमको एक्टिविटीज के द्वारा और करके देखना चाहिए. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने आपके लिए आज इकट्ठी की है, मैं आपको बताऊंगा. सो एक एक्टिविटी 5.4 आपके है कि आपको ये बताना है दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल. ये तो आपने देख लिया कि आप श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, 21% ऑक्सीजन, देखो ये दिखा रखिए, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आप छोड़ते हैं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन सी इट, एंड व्हेन यू लीव एक्सहेल एयर 16.4% ऑक्सीजन, यानी 21% में से 16.4 ही हम छोड़ते हैं, बाकी कंज्यूम हो जाती है. लेकिन क्या है कि आप बाल वैज्ञानिक हैं, आप सब जो जानना चाहते हैं कि सर ये तो लिखा हुआ बता दिया आपने, लंग्स में जाती है, इतनी ऑक्सीजन ली, इतनी ऑक्सीजन छोड़ दी, कम ऑक्सीजन गई और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आई, हमको इसको प्रमाणित करें. तो आपके यहाँ एक बहुत बड़ी एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी को मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ. ये कैमरा आप फोकस करें, ये दो टेस्ट ट्यूब्स ले, ये दो टेस्ट ट्यूब्स नजर आ रही है आपको, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, इनके अंदर एक में ये सिंपल वाटर है ना, और एक के अंदर ये लाइम वाटर. अभी मार कर करके चले कि वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब दैट इज शोन हियर बाय ब्लू हैज गॉट सिंपल नॉर्मल वाटर, बट दिस टेस्ट ट्यूब इट हैज गॉट द लाइम वाटर. क्योंकि लाइम क्या करता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिलती है ना,
तो उसमें धुंधला गंदला सा एक रंग दे देता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये एक मिनट, मैंने एक्सेल की और बाकी एक बार भी आ, मैंने एक्सेल किया और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये दिख गया। यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड, जी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को देखिए। आप वैज्ञानिक है, आप एक बाहरी तरफ देखिए, मैं कैमरे के सामने इसको ले जाता हूँ। लेफ्ट साइड में कोई गंदला नहीं आया, लेकिन जब मैंने ये किया, मैंने ज्यादा ही थोड़ा सा ब्रीथ कर दिया था। आप हवा छोड़ेंगे ना, थोड़ी सी सांस ली और एक्सेल, तो ये गंदला सा धुंधला सा जो हो गया ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम जो एक्सेल एयर जो होती है, उस एक्सेल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो देखो, मैंने प्रयोग करके बता दिया। प्रयोग के दौरान थोड़ा सा पानी इधर आ गया, डजंट मैटर। लेकिन एक प्रयोग और कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रयोग है, वो भी आपकी बुक ने दिखा रखा है। आप क्या करें कि एक शीशी ले, देखिए दिखाई दे रही है, इस जी शीशी के अंदर आप शुगर डाल दें, ग्लूकोज डाल दें, और उसके अंदर थोड़ा यीस्ट डाल दें। देखो मैं दिखा रहा हूँ, यीस्ट, पाउडर होता है ना, तो हम बेकरीज में इस्तेमाल करते हैं, इसको इसमें से थोड़ा सा डाल दिया। फिर इसके बाद में एक ये सिस्टम है जिसके अंदर जब भी कोई गैस इसमें से निकल के आएगी, देखिए मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, एयर टाइट कर रहा हूँ, यानी ट्यूब है, आजकल खूब मिल जाती है। इसको तो मैंने एयर टाइट किया और इसके अंदर मैंने, देखिए, आई एम पुटिंग पोरिंग वाटर, मैंने सारी चीज रख रखी है। दीज थिंग्स यू कैन डू। ये देखो, ये जा रहा है पानी इसके अंदर, ये पानी गया, दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, जी सर, है ना। अब ये पानी चले गया। अब जब भी इसके अंदर यीस्ट जो होता है, दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि शुगर को डाइजेस्ट करता है, फर्मेंटेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, यदि आप इसको 1 घंटे 1.5 घंटे रखे रहने देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और निकलते हुए बुलबुले इसमें से दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, यू शुड डू दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सरसाइज करने से क्या हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें साइंस समझने का कॉन्फिडेंस आता है। साइंस को करके देखें। आज हम चंद्रयान 3 की सफलता इसलिए कर पाए कि हमने बहुत सारे प्रयोग उस पर करके देखे, एंड यू आर ऑल इनेबल टू डू इट, यू आर ऑल एबल टू डू इट, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, बट यू कैन डू दीज थिंग्स बाई परफॉर्मिंग एक्सरसाइज एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये आपकी पुस्तक के अंदर दिखा रखा है, बुक के अंदर दिखा रखा है, हाउ वी कैन डिमोन्स्ट्रेट दैट द एक्सेल एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो हो गया ना, मैंने अभी पानी बताया था, ये गंदरा सा हो गया सेमरन जी, जी और सर। इस पानी को हम देखते हैं तो इसमें अपन को बिल्कुल लगता है कि देयर वाज कार्बन डाइऑक्साइड। अब लेकिन बात आती है कि अपन ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, जो मैंने अभी यहाँ सबसे पहले जो चित्र दिखाया ना, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन खूब हो रहा है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का बहुत बढ़िया चित्र है। इनसाइड द सेल, सो ये ऑक्सीजन ले ली हमने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, लेकिन ये ऑक्सीजन गई है कहाँ, ये सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ हाउ द प्रोसेस कंटिन्यूज इन द सेल्स, हाउ दी सेल्स, अब 10वीं क्लास के बच्चों को सबको पता है, सेल हैज गॉट साइटोप्लाज्म, सेल हैज गॉट प्रोटोप्लाज्म, अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और उसमें एक ऑर्गेनेल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे सारे जितने भी, जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वहां जाके, और उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये तो प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ कि जब भी आप सांस लेते हैं, आप लेकर देखो, आप सांस लेते हैं ना, इनहेल एक्सहेल करते हैं, सुबह मॉर्निंग में योगा करते होंगे, सब करते होंगे। तो जब हमारा डायफ्राम है, ये देखो हमारी जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है और ये एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम ऊपर जाता है तो हम बाहर निकाल देते हैं एयर को, जब डायफ्राम नीचे आता है तो एयर खींच के अंदर आ जाती है, ऐसा हम करते हैं। देखो बहुत बढ़िया दिखा रखा है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा एनिमेशन है। ये डायफ्राम जो है ये मस्कुलर होता है, ये लंग्स को एयर को अंदर आने की, अभी समय बाहर, अब अंदर आ रही है, अंदर बाहर जा रही है, बहुत बढ़िया एनिमेशन के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सांस, अभी आप सुन रहे हैं, आपने अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर हमारा ये सेशन देख रहे हैं, इस दौरान में आपका डायफ्राम भी चल रहा है, मेरा भी डायफ्राम चल रहा है, एंड हाउ दिस डायफ्राम इज फंक्शनिंग। आप दौड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, परंतु उस दौरान में आपके पूरे शरीर के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, ये देखिए ये बीन शेप जो रचनाएं दिखाई दे रही है ना, ये दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूट फूट होती रहती है, ऊर्जा देखो ये ऊर्जा निकलता है, ये अंदर जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं मैं इनको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और एक साइकिल है जो आप हायर क्लास में आप पढ़ेंगे क्रैब साइकिल, ये एनर्जी का प्रोडक्शन होता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, देखो मैं ग्लूकोज लेकर आया हूँ आपको, ये देखो प्लीज फोकस द कैमरा ऑन दिस ग्लूकोज बोतल, ये ग्लूकोज बोतल के अंदर ग्लूकोज रखा हुआ है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल, जब साइटोप्लाज्म में जाता है, जब हमारे कोशिका के जो कोशिका द्रव्य के अंदर जाता है साइटोप्लाज्म में, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, है ना, छह कार्बन थी, देखो यहाँ आपको थोड़ी सी गणित लगानी है, छह कार्बन तीन कार्बन के दो टुकड़ों में बटकी, मैं भी चित्र में दिखाऊंगा अच्छी तरह आपको, इसको बोलते हैं पाइरूवेट। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ये अगेन फोकस हियर द कैमरा प्लीज, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ये जो डाइजेशन यीस्ट करेगा ऑक्सीजन की नामोजिंग और बनने शुरू हो गए बबल्स, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो गया और ये बबल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के। सो यीस्ट के अंदर इथेनॉल बनता है ना, जो हमारे ब्रेवरीज में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल के चली जाती है बुलबुलों में और एनर्जी हमारे काम आ जाती है, चाहे यीस्ट है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल, तो हम दौड़ते रहते हैं कई बार बहुत देर से दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते अचानक आपको लगता है मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली हम ब्रेथ करते हैं ना उसमें ऑक्सीजन, अभी मैंने 21% बताया, वहां पर इन प्लेस ऑफ मेकिंग अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वहां लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी तो बनती है परंतु ये पाइरूवेट से जो लैक्टिक एसिड बनता है ये मसल्स में हमारी मांसपेशियों में, कई बार आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, द माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है पाइरूवेट से, वाटर बनता है और एनर्जी, वाटर तो हमारे शरीर में काम आ जाता है, एनर्जी हमें, अब मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये एनर्जी काम आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल कर दी। मैं समझता हूँ इस चार्ट में जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एनर्जी प्रोडक्शन कन्वर्टेड इंटू पाइरूवेट, जब ऑक्सीजन होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन की नामौजूदगी में लैक्टिक एसिड बनता है या इथेनॉल बनता है जैसे यीस्ट में, परंतु जब ऑक्सीजन हम खूब लेते हैं अच्छी तरह एक्सहेल इनहेल करते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हमारा सारा एनर्जी परिवर्तन उसमें हो जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, जो टूटता है ना, सो विदाउट ऑक्सीजन में ना होता है एल्कोहल बनता है और इलेक्ट्रिक एसिड बनता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन क्रैब साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनती है। अब आप ये जानने होंगे कि भाई ये एनर्जी बन गई, अब एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कहाँ होती है, देखिए बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ पर नेचर ने एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया है जो आज तक दुनिया की कोई बैटरी सिस्टम नहीं बना पाया एनर्जी को स्टोर करने का, द मॉलिक्यूल नेम इज एटीपी, ये लिख रखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर ही एडिनोसिन मॉलिक्यूल है जिसमें तीन फॉस्फेट पी पी पी, तीन पी है, थ्री फॉस्फेट्स, ये हरे रंग के तीन पी पी भी दिखाई दे रहे हैं, इन हरे रंग के तीनों पी पी फॉस्फेट ग्रुप्स में से एक निकल जाता है तो साथ में एनर्जी निकलती है और दो मॉलिक्यूल फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई माने दो ट्राई माने तीन। अब जब ये डाइफॉस्फेट को ऊर्जा संचित करनी होती है एनर्जी कंजर्व करनी होती है तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेता है और साथ में एनर्जी ले लेता है, एनर्जी बनती है ना अपने शरीर के अंदर और फिर ये वापस एटीपी बनता है, ये 2400 घंटे हमारे, यदि ये चक्र नहीं हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, सो वी विल हैव टू टेक केयर कि हमारे निरंतर एटीपी से एडीपी बनते रहे, एडीपी से एटीपी बनते रहे। मैं समझता हूँ सिमरन जी सब बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि बुक में दे रखा है, लेकिन कभी 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 बच्चे जो है ना वो अनइजी महसूस करते हैं, सर ये फॉस्फेट क्या है, नेचर ने फॉस्फेट ही क्यों लिया, फॉस्फेट जो दो टूट जाते हैं, तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह चित्र के अंदर इसको समझा दिया। अभी देखिए ग्लूकोज मैंने अभी दिखाया था ना, ये ग्लूकोज ये बोतल फिर मैं दोबारा दिख रहा हूँ ग्लूकोन डी की, इट इज नॉट फॉर एन एडवर्टाइजमेंट बट आई एम शोइंग यू दैट ग्लूकोज इज देयर। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो छह कार्बन का बना होता है
और इसको कार्बन चेन का फॉर्मूला ही दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, अंत में फंक्शनल ग्रुप होता है CH2OH, और इसको साइक्लिक ऐसे दिखाते हैं, जो साइकिल में मॉलिक्यूल को दिखाते हैं ना। और जब मैंने अभी आपको बताया जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है CH3CH2OHCOOH, ये लैक्टिक एसिड है जो कि हमारी मांसपेशियों के अंदर थोड़ा सा हमें दर्द महसूस करने के लिए करता है। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, ये पाइरूवेट बना दिया, और पाइरूवेट जो है ये दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे थोड़े अक्षर है, ये तीन कार्बन का CCC CCC, अल्टीमेटली दिस पाइरूवेट मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड मिथेनॉल वाटर एंड एनर्जी व्हेन ऑक्सीजन इज देयर, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल। इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही नेचर ने हमको एक चक्र दे रखा है कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, मैं बोल चुका कई बार बोल चुका, और ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, ये एनोरोबिक रेस्पिरेशन हमारे चलता रहता है। और ये देखो कितना बढ़िया, तीन फॉस्फेट है, एक टुकड़ा निकल गया एनर्जी बन गई, और ये पी हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं ना, और जब ये दो हरे रंग के इनके साथ में एक और फास्फेट मिल जाता है एनर्जी स्टोर। अब मैं बैठा हूँ, मेरे पास अंदर बहुत सारे एटीपी है, एनर्जी स्टोर है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो ये इसमें काम आ रहे हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे से देखिए होल्स दिखाई देते हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं, और कोविड के अंदर सब लोग जान गए एल्वियोलाई क्या होती है, लंग की जो अंदर की जो झिल्लियाँ हैं ये एल्वियोलाइज हैं, जहां पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है ब्लड सिस्टम से। अभी आपकी बुक के अंदर ये दे रखा है, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि एडीपी टेक्स एनर्जी विद फॉस्फेट एटीपी बन जाता है ना, एडीपी प्लस फॉस्फेट एनर्जी ये एटीपी बना देता है। इस पूरी सारी जो चीज लिखा हुआ है इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे से समझा दिया, एंड एनर्जी इक्वलेंट टू 30.5 किलो जूल मोल, ये याद रखना है कि व्हेनेवर देयर इज एनर्जी इज कंज्यूम 30.5 केजी एटीपी बन जाता है, एंड इट रिलीजेस द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी। अब एक एक्टिविटी और है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, ये तो करके देखनी चाहिए। हम शॉप्स पर जाते हैं, कई जगह मॉल्स में जाते हैं, वहां पर आपको एक्वेरियम दिखाई देते हैं जहां पर मछलियां तैर, अरे ये तो मछली आ गई, क्या बढ़िया तैर रही है ये मछली, तैर रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसके बाईं तरफ ये क्या छेद खुल रहे हैं ना, दीज आर गिल्स, These are the gills of the fish. और ये मुंह से देखो ये पानी ले रही है और गिल से बाहर निकाल रही है। आप कभी देखना, कभी एक्वेरियम के पास में देखना कि ये छेद कितनी बार खुलते हैं, एक मिनट में कितनी बार बंद होते हैं, यानी कि फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को वो इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये भी एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दे रखी थी, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि वेन वाटर पासेस, वाटर रिच इन ऑक्सीजन, जो मछली ने अभी लिया गिल्स के ऊपर जाता है और ये ऑक्सीजन को सोख लेती है। ये छोटी सी एक्टिविटी आपको दिखा रहा है कि हाउ फिश इज टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, एंड इट इज अगेन यूजिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एनर्जी का प्रोडक्शन वैसे ही होता है जैसे कि हम लोगों के अंदर होता है। तो आपने दो तरह के रेस्पिरेशन हो गया, एक तो मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में जा रही है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जा रही है, वहां पर जो रेस्पिरेशन होता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और कैसे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, कैसे ऑक्सीजन बाहर आ रही है, मैं आपको, ये पूरा हमारा सिस्टम है, नोज है, माउथ है, एपिग्लोटिस ग्लोटिस है, ये ट्रेकिया के थ्रू है ना, मेरी श्वास नाल है जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप कैमरा फोकस कर रहे हैं, दिस इज माई ट्रेकिया, ट्रिकिया जा रही है दो हिस्सों में ये लंग्स के अंदर, ये परिवर्तित हो जाती है आगे, और ये देखो कितना पूरा जाल बिछा हुआ है लंग्स के अंदर, ब्लड वेसल्स का भी जाल है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे लंग्स बिल्कुल ब्लड वेसल्स से अच्छी तरह डूबे होने चाहिए। अब ये ब्लड वेसल्स फैल के बहुत बड़ा हिस्सा, देखिए ये पूरा जालिका है, आपने एक्सरे वगैरह में देखे होंगे ना, कई बार बताते हैं अरे ये तो धब्बा बन गया आपका लंग्स के अंदर, समथिंग इज रॉन्ग, यू कैन सी ये इतनी जालिकाएं इतनी बनती हैं हमारे लंग्स में, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। और ये आपकी पुस्तक में बहुत बढ़िया चीज लिख रखी है कि यदि आप लंग्स को आप फैलाएं, तो फैलाने के बाद में इट वुड कवर अबाउट 80 स्क्वायर मीटर स्पेस,
कल्पना कीजिए 80 स्क्वायर मीटर्स पे इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर 80 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, पूरा फैल जाए, कमरे में फैल जाए, इतना हमारे लंग्स के अंदर फैलाव होता है जो हमारी ऑक्सीजन को ग्रैंड करने के अंदर। अब ये देखो कि व्हेनेवर ऑक्सीजन गोज इन द लंग्स एंड इट रीचेस इन द एल्वियोलाई दिस इज द फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग। देखो ये बहुत बढ़िया मैं इसको which separates the inside. Cell membrane होती है, अंदर cytoplasm होता है, और ये आपको ये दिखाई जा रही है चल रही है, ये थोड़े से ये structure थी, mitochondria है हमारे, अंदर nucleus है, endoplasmic reticulum है, ये mitochondria हमेशा अच्छी healthy condition में रहनी चाहिए, ये हमारा power house है, हमारा power house बंद हो गया तो बेकार है, इस mitochondria के अंदर इस तरह से बहुत detailed structure है, आपको आगे classes में है, but lot of cellular internal respiration takes place in these mitochondria जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी से एडीपी बनते हैं, एडीपी से एटीपी बनते हैं, और ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है, और हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन देने वाला है लाल, हमारा खून लाल होता है ना, कहते हैं रेड ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, आरबीसीज होती हैं, इन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये देखिए हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल्स को ले जाता है, इसकी इस तरह से रचना होती है कि ऑक्सीजन को ये कैरी करके ले जाता है और हीमोग्लोबिन बनाता है ऑक्सीजन लेकर जाके और ये सेल्स के अंदर छोड़ देता है, यानी कि व्हेनेवर हीमोग्लोबिन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन देन इट टेक्स द ऑक्सीजन एंड रिलीजेस इनसाइड द सेल। ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, सीधी नहीं जाती है, दिस इज गोइंग थ्रू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और हीमोग्लोबिन उसको ले जाने का काम करता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, आप देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में, देन वंस द ब्लड वेसल्स दे आर इन द विसिनिटी ऑफ द सेल्स, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लूकोज अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी बनते रहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जबकि एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करके एनर्जी बाहर निकल के आती है। फ्रेंड्स दिस इज द प्रोसेस और ये निरंतर चलता रहता है। आप बच्चों के अंदर एक छोटा सा मैंने चित्र बनाया है कि कैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन रिलीज होती है और किस तरह से हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के पदार्थ जो है हमें एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करती है। अब यू शुड नो वन मोर थिंग यूजिंग टोबैको, देखिए अब आ रही है हमारी बहुत सिमरंती, बहुत सारे बच्चे जाने की कोशिश करते हैं, ये टोबैको लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, आप भी आप मेरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टोबैको नहीं लेनी चाहिए स्मोकिंग, और सर इसके नुकसानों के साथ डायरेक्टली ये हमारे लंग्स को किस तरह से इफेक्ट करता है, क्या ये हमारी ब्रीदिंग की जो एक नॉर्मल जो प्रक्रिया है उसे इफेक्ट करता है और उसे रोकता है, खराब करता है, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? सिमरन जी ये लंग्स के अंदर की जो दीवार होती है ना, जैसे अपना घर है, इसकी दीवार पर अपन कार्बन काला वाला कुछ पोत पाथ दें तो घर सुंदर नजर नहीं आता है, लेकिन अच्छी रंग की हुई दीवारें, इसी तरह से हमारी लंग्स की जो इंटरनल एल्वियोलाई मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनमें जाके टोबैको है, ये गुटके और इन सारी चीजों के जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो लंग्स को खराब, विशेष तौर से जो सिगरेट स्मोकिंग है वो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं, और उसकी वजह से ऑक्सीजन जितनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और धीरे धीरे बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बहुत जगह लिखा रहता है, लेकिन हमको अपने पेरेंट्स को, हमको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, हमें अपने विसिनिटी में, आपके आसपास में पब्लिक प्लेस पर कोई भी स्मोकिंग कर रहा है मना कर दो, बिकॉज यू बिकम इनडायरेक्ट इनहेलर, आप सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन आपके सांस के साथ वो जा रही ना, तो हमें उनको मना करना चाहिए कि नहीं, वी वॉन्ट टू कीप, देखिए हमारे हेल्दी लंग्स हैं, और जब लंग्स के अंदर ये स्मोकिंग और बहुत सारी चीजों का देखिए क्या काले काले धब्बे हो गए यहाँ पर, और ये कितना खूबसूरत लेफ्ट साइड के अंदर आप देखिए कितने खूबसूरत लंग्स दिखाई दे रहे हैं, दोज पीपल हु आर गोइंग फॉर द स्मोकिंग इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हेल्थी थिंग एक्सेप्ट इट इज डिस्ट्रॉइंग योर एल्वियोलाई एंड यू वॉन्ट बी, और ये टोबैको और चूइंग वगैरह से तो आपने देखा बहुत सारे लोगों की कैंसर भी हो जाता है, आपके फ्रेंजाइटिस हो जाते हैं, आपकी ओरल कैविटी खराब हो जाती है, तो टोबैको चूइंग भी खराब है और ये भी, और ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं। अब ना केवल हमारी एल्वियोलाई के अंदर ही जमा हो जाती है धुआं जो होता है टोबैको, लेकिन हमारी श्वास नली में भी हो जाती है, आप देखिए लोग दिन भर खांसते रहते हैं और वो सिगरेट पीते हैं, खांस रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? तो हमें ट्यूबरकुलोसिस,
दे ऑल्सो गिव चांस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करने वाले माइक्रोबैक्टीरियम को वो मौका देते हैं, वो जाके इन्फेक्शन करते हैं और टीबी हो जाती है और आदमी यदि खराब कंडीशन में चले जाता है तो उसके बाद में मर जाता है। सो हमें ये करना चाहिए कि हमारे इस सिस्टम को बहुत हेल्दी रखें। कोई प्रश्न आप पूछिएगा, वी हैव टाइम टू डिस्कस। बिल्कुल सर। सर जिस तरह से आपने बताया और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग के बारे में हमने समझा कि किस तरह से हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही सर जब हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं समझते हैं तो हमें पता है आजकल एनवायरनमेंट प्रदूषित हो गया, तो पॉल्यूशन या पॉल्यूशन में मौजूद जो डर्ट पार्टिकल्स हैं क्या वो भी हमें उसी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, क्या वो एलर्जीज क्रिएट करते हैं बॉडी में? Actually, those particles which are present in the air and they are making lot of changes. Pollutants जो हैं, even हमारे genome को, oncogenes को disturb करते हैं, cancer भी हो जाता है. So those particles which are present in the air, which are pollutant, they are destroying the breathing capacity or the breathing efficiency. मैं एक शब्द आपको बता रहा हूँ, breathing efficiency. मैं oxygen ले रहा हूँ और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा हूँ, मेरे लंग्स में कैपेसिटी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाए। बट दोज पॉल्यूटेंट्स व्हिच यू आर डिस्कसिंग और टेलिंग मी दे आर कॉजिंग लॉट ऑफ हार्म्स टू द अल्टीमेटली, देखिए हम सांस लेते हैं तो लंग्स में तो जा रहा है ना सीधा सीधा और वह उसको नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल। और सर ब्रीदिंग से ही हमने शुरुआत की है तो ब्रीदिंग से ही इस सत्र का अंत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि जैसे आपने एफिशिएंट ब्रीदिंग के बारे में कहा, तो इन एफिशिएंट ब्रीदिंग ये क्या होता है और क्या एक सही तरह की ब्रीदिंग होती है, एक गलत तरह की होती है, उसके बारे में थोड़ा सा और हमारे बच्चों को समझाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा प्रश्न रेज किया है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे नेजल नाक होते हैं ना, नेजल पोर्स होते हैं, इनसे हमारे लंग्स में एयर जानी चाहिए और जितने ज्यादा लंग्स का फैलाव होता है दैट इज एफिशिएंट। कई लोग करते हैं बिल्कुल धीमे धीमे कर करा के, मतलब थोड़ी सी ऑक्सीजन ली थोड़ी सी बाहर निकल दी और नहीं, अच्छी सांस ले, जैसे सुबह हम योग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भांति करते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, उसका मतलब ये है कि हम अपने ब्रीदिंग एफिशिएंसी को बढ़ाएं, हमारे लंग्स का फैलाव अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए और हम जब भी एक्सहेल करें हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालें। दिस इज द बेस्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस। बट पीपल डू आर नॉट गोइंग फॉर द योगा एंड अदर थिंग, वो ऐसे धीमे थोड़ा सा लिया फिर वापस बाहर निकाल दिया, उसमें क्या एफिशिएंसी नहीं निकल के आ पाती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमारे स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं, आई एम श्योर टुमारो ऑनवर्ड दे विल गो फॉर प्राणायाम एंड अदर एक्सरसाइजेस ऑफ योगा सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस। सिमरन जी, हमारी लंग्स की एफिशिएंसी बढ़िया होगी, हमारे कोई डिजीज नहीं होगी। डिजीज क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, मौका देखते हैं कि ये कमजोर हुआ, इसने अच्छे तरह से सांस ले लिया, अब इस पर आक्रमण करो। जब हम अपने लंग्स को, अपने इंटेस्टाइन को, अपने बॉडी को मजबूत रखेंगे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास में हो, पॉल्यूटेंट हो, वो अंदर नहीं जा पाए, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है पिछले 2 साल में इम्यूनिटी के बारे में और एफिशिएंट ब्रीदिंग के बारे में तो हम सब ने बहुत कुछ जाना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके समय के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर दैट यू एंड द व्यूअर्स एंड द स्टूडेंट्स माइट हैव गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एंड द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स सर, इंडीड इट वाज एन इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर कनेक्टिंग विद अस इन दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ साइंस। Do not go anywhere because here is an important piece of information for all of you regarding, as you all know that for this academic year, that is 2023 to 2024, NCERT textbooks are widely available all across the country. You may purchase them directly from the different sales counters of NCERT, and also you can place an order online for these textbooks. In case if you would like to download the PDF or the soft copy version of NCERT textbooks, that is also possible through different mediums, one of them being Diksha platform, another one is ePaathshala website, also NCERT's official mobile application. And in order to explore more about authorized vendors,
feel free to connect with us and also scroll the website of NCERT, that is www.ncert.nic.in. और दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगले आधे घंटे के लिए यानी अगला सत्र हम लेकर आए हैं उर्दू का, और ये सत्र रहेगा हमारे 10वीं जमात के तलबा के लिए, और जो उनवान हम पढ़ेंगे, जो सबक हम पढ़ेंगे, उसका उनवान रहेगा भोला। तो आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार सिमरन जी, नमस्कार, थैंक यू।